हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल में। गाइस देखिए, आज का वीडियो मैं ग्रीस के लिए बना रहा हूँ। ग्रीस कंट्री, जिसको अपन हिंदी में यूनान बोलते हैं, वहाँ पे वैकेंसी है कंस्ट्रक्शन में, तो मैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ। पहले मैं थोड़ा सा आपको ग्रीस के बारे में बताऊंगा, उसके बाद में सेकेंड में वैकेंसी के बारे में बताऊंगा, फिर आपको क्या क्या मिलेगा, क्या आपको बेनिफिट्स है, और फिर प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन, ओके, एंड कितना टाइम लगेगा प्रोसेस टाइम। तो ग्रीस से शुरू करते हैं। देखिए, ग्रीस यूरोप की ईस्टर्न यूरोप में है। ईस्टर्न मतलब पूर्वी यूरोप में, टर्की के पास में, शेंजन में है। सबसे इंपॉर्टेंट, शेंजन में है, बट किसी भी शेंजन कंट्री से इसका बॉर्डर नहीं लगता है। अब कोई बंदा सोचेगा कि भाई बॉर्डर नहीं लगता तो हम दूसरी शेंजन कंट्रीज में नहीं जा सकते ग्रीस से, ये बिल्कुल एक तरह की गलत सोच है। जा सकते हो, आराम से जा सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि आप बाई लैंड भी जा सकते हो, क्योंकि सर्बिया वगैरह में अगर आप शेंजन में टीआरसी पे हो तो वीजा नहीं चाहिए। एरोप्लेन से भी जा सकते हो, बाई एयर भी जा सकते हो, और बाई सी भी, जहाज वगैरह से भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये तो ग्रीस का बता दिया आपको, डेवलप्ड कंट्री है, क्रोएशिया से भी ज्यादा डेवलप है। अब बात करते हैं वैकेंसी की। कंस्ट्रक्शन में वैकेंसी है, स्किल्ड कंस्ट्रक्शन में स्किल्ड पीपल है उनके लिए भी, और हेल्पर्स के लिए भी, ठीक है। हेल्पर्स भी चाहिए, और स्किल्ड मेशन हो गया, टाइल मेशन, सेटरिंग कारपेंटर, ये सब भी चाहिए, स्टील फिक्सर। तो क्या मिलेगा? 900 यूरो सैलरी है, अकोमोडेशन कंपनी की तरफ से है, और इसके अलावा वन टाइम मतलब ऑन ड्यूटी जो मील होता है वो है, ये सब है। इसके अलावा अगर अपन बात करें ग्रीस में कि बेनिफिट्स क्या है, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह जो बेनिफिट्स होते हैं, पेंशन वगैरह, वो सब कॉमन है, वो सब मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रोसेस 3 महीने का ही प्रोसेस है, विद इन 3 मंथ्स सब कुछ हो जाएगा, वीजा आपके हाथ में होगा, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं बताता हूँ। देखो, अर्जेंट है, मुझे कल तक ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पर 10 तारीख तक एडजस्ट कर सकता हूँ मैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए? पासपोर्ट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उसके अलावा पैन कार्ड, आधार कार्ड, और आपका एक अच्छा सा सीवी, यही चाहिए बस, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और देखिए कि मतलब मैं सजेस्ट करूंगा कि क्रोएशिया अभी जो टाइम जो रिफ्यूजल आ रहे हैं, वर्क परमिट लेट आ रहे हैं, ये सब हो रहा है, उसकी कंपेरेटिवली ग्रीस इज बेटर, वो ज्यादा अच्छा है। फिर आप पे है, जो कोई इंटरेस्टेड है, जिस किसी को आना है, आप मेरे को डॉक्यूमेंट्स भेजिए इंस्टा पे, सीधे एक पीडीएफ बनानी है, उसी में ये सब डॉक्यूमेंट होने चाहिए, 2-4 पीडीएफ्स नहीं बनानी है। मैं डॉक्यूमेंट्स लूंगा और सीधे प्रोसेस करूंगा, ओके। तो ये आज की जानकारी सिर्फ ग्रीस के लिए थी, इतनी सी थी। जल्दबाजी में वीडियो बना रहा हूँ, मे बी वॉइस या कुछ भी अच्छा नहीं हो तो एडजस्ट करिए, बट मेन चीज, मेन इंपॉर्टेंट है जानकारी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो कोई भी बंदा इंटरेस्टेड है, विद इन 2 डेज मेरे को डॉक्यूमेंट्स भेज दे। पीसीसी अभी के लिए नहीं चाहिए, डॉक्यूमेंट्स वापस सुन लीजिए, पासपोर्ट, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड सीवी, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके आप मेरे को डॉक्यूमेंट्स भेजिए। बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, धूप वूप अच्छी निकल रही है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नई और इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ। थैंक यू।